नमस्ते। तो हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, उसकी एक्सरसाइज बाकी थी, याद है ना? चलो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह स्टार्ट विद द गायत्री मंत्र। क्लोज योर आइज। ओके। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओके। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह डेफिनेशन और क्विक राउंड अप करके कर लेंगे, एक बार रिकॉल कर लेंगे। चलो डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन किसकी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। द प्रॉपर्टीज सच अ साइज शेप कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस हो उसके साइज उसका शेप और उसका कलर उसका स्टेट, ये सभी क्या है? तो कि उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल चेंज क्या है? तो कि ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडर गो ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसा चेंज सब्सटेंस के अंदर, ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडर गो ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आए तो उस चेंज को कहते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज, ए चेंज इन विच टू आर मोर न्यू सब्सटेंस रिएक्ट इन सच ए वे that there is a formation of one or more new substance. Chemical change यानी क्या है? ए चेंज, ऐसा चेंज जिसमें दो अथवा दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, और वो भी इन सच ए वे, ऐसी वे में कि जहाँ पे एक अथवा एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म भी हो। दो अथवा दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस हमें मिले, तो इस प्रकार के चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। और था हमने देखा क्रिस्टलाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस आर ऑब्टेंड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें उस सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से जो हम प्योर क्रिस्टल बनाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जिसका हमने एग्जांपल भी देखा था शुगर सॉल्यूशन में से शुगर पार्टिकल बनाना, यानी कि उसके क्रिस्टल्स बनाना, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद है क्विक राउंडअप। क्विक राउंडअप में देखो फर्स्ट पॉइंट है टू टाइप्स ऑफ चेंज अकर अराउंड यू, हमारे आसपास में आपके आसपास में कितने चेंज हो रहे हैं? तो के दो, कौन से? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। दो चेंजेस है, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। ये दोनों क्या है इसके बारे में हमने अभी देखा। ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जब फिजिकल चेंज होता है तब वहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता नहीं है। However, a chemical change always involve the formation of one or more new substance. लेकिन chemical change जब होता है तब वहाँ पर हमेशा एक या एक से ज़्यादा substance form होते है, और वो भी कैसे? तो एकदम new. Generally, physical change are reversible in nature and chemical change are irreversible. Generally, यानी कि most of physical change reversible होते हैं और most of chemical change irreversible होते हैं। Reversible और irreversible. मीनिंग रिवर्सिबल मतलब जिसपे हम अपने इनिशियल सब्सटेंस वापस पा सकें, और इरिवर्सिबल मतलब हमने अपने एक्शन को रिवर्स भी कर दिया लेकिन फिर भी हमें अपना इनिशियल सब्सटेंस वापस मिलेगा नहीं, तो ऐसे चेंजेस को कहते हैं इरिवर्सिबल, और जिसमें मिल जाए उसको कहते हैं रिवर्सिबल। चलो फोर्थ पॉइंट है रस्टिंग ऑफ आयन आर्टिकल्स टेक प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन। रस्टिंग ऑफ आयन पार्टिकल्स कब होता है? जब वहाँ पे बोथ और वाटर भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए, दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो वहाँ पे रस्ट होगा नहीं। लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेंड बाय क्रिस्टलाइजेशन, किसी भी प्योर सब्सटेंस के हमें लार्ज क्रिस्टल बनाना है तो किसके थ्रू हमें मिलेगी? तो क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हम उसे बना सकते हैं। तो ये था क्विक राउंड अप और डेफिनेशन। देखिए हम एक्सरसाइज में क्या करेंगे, तो कि ए और बी अभी नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ क्या करना है तो के सी वाला, सी यानी कि आंसर इन वन आर फ्यू वर्ड्स, जिसमें हमें फर्स्ट दिया गया है मैच द गिवन कॉलम्स। देखो फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या है? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। आपको ये लिखना कैसे है अपने फेयरबुक में? एक्सरसाइज चैप्टर का नाम लिख के एक्सरसाइज सी, उसमें सी वन मैच द फॉलोइंग कॉलम ए करके पूरा, कॉलम बी इसका जो आंसर है वो उसके सामने, कॉलम सी इसमें से जो आंसर है वो वन के सामने, यानी कि आपको लाइन में लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है और फिर ज्वाइन तो बिल्कुल भी नहीं करना। आंसर कैसे लिखना है अपने फेयरबुक में?
जो इसका आंसर है वो उसी के सामने आएगा। तो फर्स्ट है फिजिकल चेंज, जिसमें क्या है तो कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और वो जनरली रिवर्सिबल है। समझ में आए? अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसमें सब कुछ था, इसीलिए मैंने पहले आपको क्या रिकॉल करवाया, एक्सरसाइज के पहले डेफिनेशंस और क्विक राउंड अप, जिसमें ये सभी दिए गए था कि फिजिकल चेंज और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते नहीं है और ये रिवर्सिबल होते हैं। उसके बाद कॉपर सल्फेट, ये हमने एक्टिविटी में देखा था कि जब कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद जिंक, तो क्या बनता है, तो कि जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड। उसके बाद आयन, आयन क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, जब वहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर होता है तो क्या बन जाता है, वहाँ पे रस्ट प्रोसेस, रस्टिंग हो जाता है। आयन, ऑक्सीजन एंड वाटर, रस्ट। उसके बाद कार्बन, कार्बन रिएक्ट विद सल्फर क्या बनेगा, तो के एंडोथर्मिक रिएक्शन। कार्बन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड का स्पॉइल हो जाना इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब कि वह हमें वापस अपना इनिशियल सब्सटेंस मिलेगा नहीं, यानी कि एक बार फूड, यानी कि खाना बिगड़ गया, स्पॉइल हो गया, उसके बाद हमें अपना फ्रेश खाना वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कि इरिवर्सिबल है। और ये कौन सा चेंज है, तो केमिकल चेंज। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो क्या करेगा, टोन रेड लिटमस पेपर ब्लू, यानी कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। और इसका नेचर क्या है, यानी कि बेसिक, हाइड्रोक्साइड वर्ड में ही मालूम पड़ गया कि वो बेस है। समझ में आया? फिल मैच द फॉलोइंग लिखना कैसे है, उसी के सामने उसके दोनों कॉलम के आंसर आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, When baking soda is added to vinegar, जब baking soda vinegar में ऐड करते हैं तो baking soda क्या है, तो के बेस है। विनीगर क्या है, एसिड है। एसिड प्लस बेस, कौन सा गैस रिमूव होगा, मैंने बोला था CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। डिसोल्विंग शुगर इन वाटर इज ए डैश चेंज, जब हम शुगर को डिसोल्व करते हैं तो वो कौन सा चेंज है, फिजिकल। क्यों? क्योंकि हमें अपना वापस शुगर पार्टिकल्स मिल सकता है, इसीलिए जिसमें हम अपने इनिशियल सब्सटेंस हमें वापस मिल जाए उस चेंज को कहते हैं फिजिकल चेंज। तो डिजोल्विंग शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग एयर लेयर ऑफ जिंक ऑन आयन इज कॉल्ड डैश, यानी कि कौन से प्रोसेस में हम जिंक का लेयर बना के आयन में डिपोजिट करते थे, तो कि गैल्वेनाइजिंग में, गैल्वेनाइजेशन में हम करते थे ना, उसके जो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग प्रोसेस में हमने बहुत सारी मेथड देखी थी, उसमें से ये वाला एक है, गैल्वेनाइजेशन। क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस और ऑब्टेंड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल उसी के सॉल्यूशन में से मिलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्या है, तो कि रस्ट है, जो हमने रस्ट के टॉपिक में देखा था, उसका फॉर्मूला भी था X in H2O, यानी कि जितने मोल्स ऑफ हमने H2O लिए थे उतने मोल्स हमें हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड में मिलेंगे, और उसको क्या कहते हैं, रस्ट। उसके बाद ट्रू और फॉल्स, कटिंग ऑफ वुड इज ए फिजिकल चेंज, वुड को कट करना फिजिकल चेंज है, क्योंकि वुड को हम जब कट करते हैं तो उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, क्या होता है, उसके शेप में चेंजेस आते हैं सिर्फ, बाकी कोई भी न्यू सब्सटेंस वहाँ पर फॉर्म होता नहीं, यानी कि ये है ट्रू, कटिंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल चेंज, यानी कि ट्रू। ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंस और फॉर्म, हमें यहाँ पे बोला गया है कि जब फिजिकल चेंज होता है तो वहाँ पे सब्सटेंस न्यू फॉर्म होते हैं, तो ट्रू है, नहीं होते, किसमें होते हैं, केमिकल चेंज। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस और फॉर्म, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू, मतलब कि सिर्फ आपको एक्सरसाइज का रीड नहीं करना है, क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे फॉल्स है तो आप पढ़ लोगे कि हाँ ऐसा आया, तो फॉल्स, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसा बोल दिए गए थे, ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, सिर्फ एक ही वर्ड आगे लगाना है नो, तो क्या बन जाएगा, ट्रू। लेकिन यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुए ऐसे बोले तो ये फॉल्स है। एनर्जी चेंजेस ऑलवेज अकर्स ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, जब केमिकल चेंज होते हैं तब भी एनर्जी में चेंजेस होते हैं, होते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं तो उसकी एनर्जी और जो इनिशियल सब्सटेंस की एनर्जी वो डिफरेंस हो जाएगी, तो चेंजेस तब भी होते हैं, फिजिकल चेंज में एनर्जी के चेंजेस होते नहीं है, तो ये ट्रू। रस्टिंग ऑफ आयन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली, हमें बोला गया है कि रस्टिंग ऑफ प्रोसेस होता है जब वहाँ पे सिर्फ वाटर हो तो भी हो जाता है, ऐसा होता है
क्या बोला था हमने डेफिनेशन में कि वहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन दोनों होना चाहिए तभी वहाँ पे रस्ट लगेगा, तो एक हुआ फॉल्स। रस्टिंग ऑफ आयन कैन बी प्रिवेंटेड बाई रैपिंग आयन आर्टिकल्स इन पेपर। हमें बोला गया है कि हम पेपर से आयन आर्टिकल्स को रैप कर देंगे तो रस्टिंग ऑफ आयन रुक जाएंगे, पेपर को करेंगे तो रुक जाएगा। किससे करना पड़ेगा, पेंट हो अथवा तो कोई मेटल की शीट्स हो उसे पेपर से कर देंगे तो थोड़ी ना रुक जाएंगे, तो ये भी फॉल्स। उसके बाद C4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ। ये तो आप सभी का फेवरेट है क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको सिर्फ चूज करना है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग। क्रिस्टलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें क्या मिलता है, प्योर सॉलिड ओनली, प्योर लिक्विड ओनली, प्योर गैस ओनली, ऑल ऑफ दिस। उसमें से हमें सॉलिड मिलता है कि लिक्विड मिलता है कि गैस मिलता है या तीनों मिलते हैं। तो हमने बोला क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या है, सॉलिड में ही होते हैं ना, तो प्योर सॉलिड ओनली। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टू चेंजेस। चेंज ए, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाई डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट बाई एनएरोबिक बैक्टीरिया। चेंज बी, बायोगैस इज बर्न्ड एज अदर फ्यूल, विच ऑफ दिस इज ए केमिकल चेंज। इसमें से केमिकल चेंज कौन सा है बोल रहे हैं। फर्स्ट में बोला गया कि बायोगैस को प्रोड्यूस किया गया कैसे, तो कि एनिमल एंड प्लांट वेस्ट को डीकम्पोज करके, और सेकेंड में बोला गया कि बायोगैस को अदर फ्यूल की तरह बर्न किया गया। तो दोनों में हमारा जो इनिशियल सब्सटेंस है वो तो हमें मिलेगा नहीं, तो कोई केमिकल चेंज किया हो गए, बोथ ए एंड बी। रस्टिंग ऑफ आयन कैन बी प्रिवेंटेड बाई, आयन को रस्ट लगने से बचाने के लिए किसकी क्या सूटेबल है, तो यहाँ पे हमें गैल्वेनाइजिंग दिया गया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एलोइंग, यानी कि तीनों से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज यूज एज ए फ्यूअल इन किचन। इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड इन सिलेंडर, वेन इट कम्स आउट ऑफ सिलेंडर इट बिकम गैस, इट इज बॉर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। चेंज बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो क्या बोला है, LPG क्या है, तो क्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कैसे यूज होता है, तो किचन में फ्यूअल की तरह, ये जब सिलेंडर में होता है तब लिक्विड में होता है, और व्हेन कम्स आउट ऑफ सिलेंडर इट बिकम्स ए गैस, तो वापस जब निकलता है, बाहर निकलता है तब वो गैस बन जाता है, तो ये चेंज ए है। और जब हम इसे बर्न करते हैं, इट इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो कि हीट एनर्जी, तो ये हुआ चेंज बी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में हमें देखना है। चेंज ए इसे फिजिकल चेंज एंड चेंज बी इसे केमिकल चेंज। ये जो है वो फिजिकल है, बी है वो केमिकल है। फर्स्ट हमें ये दिया है, सेकंड में दिया गया है कि ए केमिकल और बी फिजिकल। अगर ए केमिकल हुआ तो देखो ए में क्या बोला गया है कि जब बाहर निकलता है तो गैस है और अंदर जाता है तो लिक्विड, तो ये केमिकल चेंज अगर होगा तो हम उसका मतलब ये है कि हम वापस जब उस गैस को अंदर फिल करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, गैस ही रहेगा। तो ऐसा तो नहीं होता, जब सिलेंडर में हम जो लोग से हम जहाँ से सिलेंडर लेके आते वो तो गैस को जब फिल करते तब गैस में होता, जब फिल कर देते तब लिक्विड में होता, तो ये तो रिवर्सिबल चेंज है ना। तो यहाँ पे तो ये बोला है कि ये केमिकल चेंज है, तो केमिकल तो इरिवर्सिबल होता है, इनके बी वाला रॉन्ग है। बोथ ए एंड बी और फिजिकल, दोनों फिजिकल है, दोनों फिजिकल भी नहीं है क्योंकि हमने बर्न कर दिया तो वो हमें वापस मिलेगा नहीं, तो रॉन्ग। और दोनों केमिकल है तो वो भी नहीं है, तो आंसर फर्स्ट वाला ही करेक्ट है क्योंकि ए फिजिकल चेंज है उसमें रिवर्सिबल होता है, और बी अगर हमने उसे बर्न कर दिया तो वो हमें वापस मिलेगा नहीं, यानी कि वो केमिकल चेंज है। व्हेन एन आयन नेल इज डिप्ड इन ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब आयन नेल को ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होता है उसके बारे में देखना है। देखो कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, उसका सॉल्यूशन ग्रीन हो जाता है, और ब्राउन डिपॉजिट इज ऑब्जर्व ऑन द आयन नेल, और उसके आयन नेल के ऊपर क्या डिपॉजिट हमें दिखाई देती है, ब्राउन कलर के डिपॉजिट। यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्या फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, क्योंकि बाकी के रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये देखा हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद कंप्लीट द वेब चार्ट, कंप्लीट द वेब चार्ट सिंपल है,
प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन टू मेथड है आपने, आप अगर लास्ट वीडियो में देखेंगे तो उसमें हमने अच्छे से इसके बारे में पढ़ा है कि टू मेथड है, एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ मॉइस्चर और दूसरा एलोइंग। और जो फर्स्ट मेथड है उसमें फोर पॉइंट्स दिए गए है, एक्चुअली वहाँ पे टू तो हमें दिए ही गए, आपको कितने लिखने हैं, दो, पेंटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको दिए गए। और दो कौन से मेथड थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो दिया गया है, तो देखो हम उस टॉपिक में ही देख लेते हैं। एक तो फोर पॉइंट्स है, अप्लाई ग्रीस ऑलॉय, पेंटिंग, गैल्वनाइजिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंटिंग दिए गए, तो लिखना कौन सा है, अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल और दूसरा गैल्वनाइजिंग। तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन करके फर्स्ट टू मेथड और उसमें से फोर मेथड जो अलग से हमें फर्स्ट पॉइंट में दी गई है वो सभी वेब चार्ट में अच्छे से लिखना है। जो दिए गए हैं उसको ब्लैक से और जो आपको लिखना है वो ब्लू से, वैसे ही पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको लिखनी है। आज का होमवर्क क्या है, तो कि यही सी वाला पूरा करना है, सी मैच द फॉलोइंग, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कैसे लिखना है, कॉलम ए में क्वेश्चन और बी में उसके आंसर उसके सामने ही होने चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन ब्लैक से आंसर ब्लू से, वैसे ही ट्रू और फॉल्स में भी, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको उसके ऑप्शन भी लिखने हैं, क्वेश्चन विथ आंसर, और लास्ट में वेब चैट की है आपका होमवर्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, अच्छे से होमवर्क करना है इन अ फेयर बुक विथ अ नीट हैंड राइटिंग। चलो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।